श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 25 राक्षसों का श्रीराम पर आक्रमण और श्रीरामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्रीराम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया, जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख शेंगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने सम्रांगण में सहस्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्रीराम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्रीराम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्रीराम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रीराम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्रीराम को उसी प्रकार घेर रखा था, जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया, जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्रीराम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अधिक बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लहूलुहान हो रहे थे, अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्य देव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे, जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दू सह होने के साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्णभूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्रीराम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते, तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेजसे प्रकाशित होने लगते थे। श्रीराम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्रीराम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं के अग्रभाग ढाल कवच आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूनड के समान जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्रीराम के बाणों ने उस समय सोने के साज बाज एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों सारथियों हाथियों हाथी सवारों घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्रीराम ने समरभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालीक नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे।
श्रीराम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्रीराम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीराम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्रीराम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए, परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सब के सब फिर लौट आए और साखू, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्गर और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। 35-37 फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पुनर्तः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहां श्रीराम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चंवरों, व्यजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिशों, खंडित खड्गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। 43-46 उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्रीराम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए।